नर्सरी का, अमेजिंग नर्सरी का विजिट किया है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस नर्सरी में कौन से बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत और यूनिक तरीके के प्लांट्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये नर्सरी हमारे घर से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं खुद से ही ड्राइव करके आज इस नर्सरी का विजिट करने आई हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आज सोचा, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, मैंने आपको नहीं बताया कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि मैं एक विजिट करूं और अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि इस नर्सरी में कौन कौन से बहुत से खूबसूरत और अच्छे प्लांट्स हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ एडवेंचर करना बहुत अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस नर्सरी की सैर करनी है तो आप प्लीज़ मेरे साथ आइए और देखिए। सो फ्रेंड्स, ये कोचिया के प्लांट्स हैं और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ। ये मोर पंखी है, इसे तूजा भी बोलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये एकदम बॉल के शेप में कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे कुछ कोलियस के प्लांट्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका व्यू देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोलियस के प्लांट्स हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब मैं आपको इन प्लांट्स को दिखाते हुए कुछ अपनी बातों को शेयर करते हुए और आपको प्लांट्स के नाम बताते हुए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये येलो टिकोमा है और ये समर प्लांट है। ये देखिए, और ये एक वाइन है, बहुत अच्छे से समर में सर्वाइव करती है। हिबिस्कस का फ्लावर है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा हिबिस्कस का फ्लावर है। इसकी ग्रोथ देखिए नर्सरीज में, इन सारे ही प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर बाहर के केमिकल्स का यूज़ करते हैं। आइए अब हम इधर चलते हैं। सारे इनके इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं। अरेका पाम, ये देखिए बिगोनिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे बिगोनियास के प्लांट्स रखे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड, अडेनियम, ब्यूटीफुल कलर है इस अडेनियम का। फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं और आपको मैं कुछ और दिखाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ व्यूअर्स, आप मेरे साथ साथ रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर और भी, क्योंकि ये नर्सरी बहुत ही बड़े में बनी हुई है। करीब 12 एकड़ पर ये नर्सरी बनी हुई है। तो गाइज, मैंने कहा कि लाइफ में कुछ एडवेंचर करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम कुछ कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसी चीज़ें करने लगे जिससे बहुत ही अच्छा लगे। देखिए फ्रेंड्स,
नाग चंपा की एक वैरायटी है, लेकिन ये इसके लीव्स देखिए फ्रेंड्स। ये रेड ड्रेसीना है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बोगनवेलियस के प्लांट्स रखे हुए हैं ये देखिए। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ऑरेंज टिकोमा है, ये भी समर प्लांट है। इसके तीन कलर होते हैं, येलो, ऑरेंज और एक और कलर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये एक और कलर है लाइट ऑरेंज। तो ये तीनों ही कलर अगर आप अपने घर में लाएं और अगर आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से एक वाइन के तरीके, क्रीपर वाइन के तरीके, क्रीपर क्रीपिंग प्लांट है ये एक, और आप इसे लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है समर्स में। अरेलिया फ्रेंड्स, ये देखिए कितना खूबसूरत, ये एक अरेलिया का प्लांट है और इसे भी आप समर में लगा सकते हैं। गाइस मेरे साथ बने रहिए और इस नर्सरी का फुल विजिट करिए, क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल नर्सरी है। और मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़े में है, तो हम आज इस नर्सरी के ओनर से बात करते हैं कि ये कितने एकड़ पे है। मैंने तो गेस किया था, लेकिन हम पूछते हैं। हाँ भैया, ये नर्सरी कितने एकड़ पे बनी हुई है पूरी? तीन एकड़ पे। अच्छा गाइस, मैंने तो गेस किया था, लेकिन ये नर्सरी 3 एकड़ पर बनी हुई है। ये हम दिखाते हैं ये फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके कुछ यूफोरबिया के प्लांट्स हैं, देखिए कितने फ्लावर। यहाँ पे कुछ कैलेंचोइस के प्लांट हैं, लेकिन ये इनका सीजन चला गया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये विंटर के फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ये आपका जो पेड़ है वो सरवाइव करता है समर में भी। तो फ्रेंड्स इसे लगा रहने दीजिए अगर आपके घर में है, और इसे हटाइए मत। बट आपको ये करना है कि आप इसे बहुत ही कम पानी दें, वाटरिंग कम करें, क्योंकि ये बहुत ही कम वाटरिंग में चलने वाला प्लांट है। आइए हम इधर चलते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी नर्सरी है, तो मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी मिस करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके चाहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक फाइकस है, डिफरेंट टाइप का फाइकस है ये, इसके लीव्स डिफरेंट कलर के हैं, दो या तीन शेड में है। ये देखिए स्टारलाइट फाइकस प्लांट है। तो फ्रेंड्स इस नर्सरी का विजिट करते हुए मैंने पूरा विजिट किया, लेकिन मैं बहुत थक भी गई हूँ। तो फ्रेंड्स मैं नहीं चाहती थी कि आप कोई भी प्लांट मिस करें और ना देख पाए, तो आप इस मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हैं, और इन प्लांट्स को देखते हुए अगर आपको मेरा ये विजिट, मेरा टूर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और फ्रेंड्स से एक बात कहना चाहूँगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो शायद आप अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो मिस करेंगे। तो फ्रेंड्स ओके, बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।